एक जनसैलाब दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2:30 बजने वाले हैं और सुबह से ये जनसैलाब जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोरेगांव, भीमा कोरेगांव में कितने लोगों की संख्या होगी, और ये मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं है, अखबार के लिए खबर नहीं है। तो ये मीडिया का आप वो चेहरा देख सकते हैं जिससे जातिवाद, मनुवाद और बायसनेस की बदबू आती है। तो ये समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर की लंबी तस्वीरें हैं। चलिए आप लोग, चलिए बढ़ते जाइए। कहाँ से आ रही हैं आप? अमरीड से। पैदल कितने दूर से आ रहे हैं? अब एक कम से कम 6 किलोमीटर से। आपके पैर में ही प्रॉब्लम है? हाँ, तो ऑपरेशन। तो कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ आके क्या, दिल को शांति सुकून मिलता है हमें। बताइए, देखिए इनके पैर में तकलीफ है और 6 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। तो ये समझिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। लोग 10-10 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, और जो युवा है, तबका है, ये तांता खत्म नहीं हो रहा है, लंबी लाइन है, और ये मिनिस्ट्री मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। लोग हंसी खुशी चेहरे पर चमक लिए आ रहे हैं, हर कोई जो है वो एक दूसरे से बात करते हुए आ रहा है, अपने बच्चों को साथ ला रहा है, बच्चों से बात करते हैं। कितना दूर से पैदल आ रहे हो? कितने दूर से? 9 किलोमीटर से। हाँ, पैर नहीं थका है? नहीं नहीं। थकावट नहीं हो रही है? नहीं। तो देखिए, लोग जो है वो पैदल चल के काफी दूर से आ रहे हैं, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, जिससे साफ है कि जो बहुजन समाज है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है, वो अपने आइकॉन को पहचानने लगा है, और लोग जो हैं वो लंबी दूरी तय कर रहे हैं। और आप दोनों चीज़ समझिए, उनको एक तरफ से जाना भी है, एक तरफ से आना भी है। लोग एक तरफ से आएंगे, दर्शन करेंगे, पैदल जाएंगे। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? किरण कुमार। किरण जी, कितने दूर से पैदल से आ रहे हैं? 1-2 किलोमीटर से। कहाँ के रहने वाले हैं? हड़पसर, पुणे में। तो कैसा लगता है यहाँ आकर? हर साल आते हैं, पहली बार आ रहे हैं? और शोर का दिन है ना आज, हैं? हर साल आते हैं। तो क्या लग रहा है, जो हमारे बहुजन समाज के युवा हैं वो अपने अपने लोगों को जानने लगे, अपने इतिहास को जानने लगे? अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। कोशिश की है कि इतिहास ना जानने दिया जाए? हाँ, कोशिश हो रही है ऐसे सत्ताधारी गवर्नमेंट से। हाँ, कोशिश की जा रही है कि हमारा इतिहास हमारे लोगों को पता होना चाहिए। एक डर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो बहुजन आंदोलन को नहीं समझते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? या हमारे ऐसा हो रहा है अभी। लेकिन मैं तो युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। इस साल युवाओं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस साल 200 वर्ष है ना, इसलिए युवाओं को ज्यादा है। तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो युवाओं ने अपने कंधे पर ले रखा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करूंगा, गगल्स लगाए हुए हैं। कितना किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं? 5 किलोमीटर। तो बताइए, आप 5 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं आप सब लोग? कहाँ से हैं? उनसे हम। अच्छा, तो क्यों आते हैं यहाँ, कैसा महसूस होता है यहाँ आके? अच्छा लगता है। कुछ जानते हैं? बाबा साहब को पढ़ते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं? क्या करते हैं आप लोग? काम करते हैं। तो देखिए, जो काम करे कॉलेज में हो वो सब जो है वो बाबा साहब को मान रहा है। देखिए, वो जो एक युवा लोग हैं वो पट्टी बांधे हुए हैं, तो जितनी संख्या में ये दूर से चल के आए हैं उतनी संख्या में वो जा रहे हैं। जितनी दूर से आ रहे हैं उतना दूर पैदल चल के इनको जाना भी है। जाने वालों को भी कतारें देख लीजिए, लेकिन लोगों का उत्साह नहीं कम हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी सदी जो होगी वो बहुजनों की है, अम्बेडकर की है, अम्बेडकरवाद की सदी होगी, क्योंकि जो अम्बेडकरवाद है, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार बदल। कितना दूर से पैदल आ रही हैं आप लोग चल के? 3 किलोमीटर से। तो देखिए, कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से, मैंने हाल के दिनों में इस तरह के नज़ारे नहीं देखे हैं। कितना दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? 4 किलोमीटर। तो देखिए, लोग थके नहीं हैं, लोग लगातार आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, और काफ़ी संख्या में जो है वो लोग शामिल हैं। और मैं ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 किलोमीटर हो 4 किलोमीटर हो, लोगों के चेहरे पर थकान नहीं है। कितने किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं? सर, हम लोग कल से आए हैं। अच्छा, तो देखिए कि लोग पैदल चल के आ, कितना किलोमीटर से आप लोग पैदल चल के आ रहे हैं? तो देखिए, लोग जो है वो बात एकदम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं, वहां जाना चाह रहे हैं, इसे बात भी नहीं कर रहे हैं। और तेज धूप भी है, बहुत ज्यादा धूप नहीं, लेकिन धूप अच्छी है, गर्मी भी है, पुणे का मौसम है, थोड़ा सा मौसम अच्छा है, लेकिन काफी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। और सबसे खास बात है, सबसे अहम बात है कि पैदल चलने के बाद भी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से 10 किलोमीटर आगे ही गाड़ियां रोक दी गई है, उसके बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, और जो भीमा कोरेगांव की जो शौर्य गाथा है उसको याद कर रहे हैं, और फिर उनको वापस ही पैदल जाना होगा।
तो उसके लिए भी तैयार है। तो 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना, मतलब लोग 20 किलोमीटर का चक्कर काटने के लिए तैयार है, लेकिन वो आना चाहते हैं। और ये तांता लगा हुआ है और भीमापुरे गांव का 2 साल पूरा हो रहा है, इसके मौके पर लोग आ रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का रेला नहीं देखा था। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और देश भर से लोग आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। वो बात भी करना चाहते हैं, मैं और लोगों से बात करूंगा कि वो कहां से आ रहे हैं। देखिए कितनी संख्या में जो है वो लोग आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। सर कहां से आए हैं आप, कहां से आए हैं आप? मुंबई से। देखिए मुंबई से आए हैं। ये तांता जो है लोगों का वो हुजूम नहीं टूट रहा है, जहां तक आपकी नजर जाएगी। कितनी दूर से पैदल आ रही हैं आप? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से? और कितनी भीड़ है? ऐसी भीड़ है बहुत, ऐसे ही सेम। ये कहां से, कितने दूर से पैदल आ रहे हैं आप लोग? सोलापुर से आया हूं। सर जय भीम। जय भीम। मैंने आपको बहुत यूट्यूब में और बहुत सारी जगह। आप बताइए कितने दूर से पैदल आ रहे हैं? हम महू से आ रहे हैं, इंदौर से। अच्छा, पैदल कितनी दूर से चल के आ? पैदल से हम 5 किलोमीटर दूर से पहुंचे। आप लोग साथ में? 5 किलोमीटर। और ये सब, ये कौन है, आपका क्या नाम है? हाँ? अच्छा, तो देखिए कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। बताइए इतनी संख्या में आप लोग आते हैं, मीडिया आप लोग को नहीं दिखाती है, कोई गुस्सा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कोई कवरेज नहीं दे रहा, एक पेपर में लाइन नहीं दे रही ये लोग। तो आप लोग उस मीडिया को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल, हमारा मीडिया तैयार होना चाहिए बस। हाँ, कौन सी मीडिया आपके? अपनी मीडिया तैयार हो रहा है। देखिए ये देखिए 5 मिनट, देखिए मैं ऐसे बात कर रहा था, लोग 5 मिनट से पैदल आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से। कितने दूर से आ रहे हैं आप लोग पैदल? हम लातूर से आ रहे हैं। पैदल कितने दूर से आ रहे हैं सर? 6-7 किलोमीटर से आ रहे हैं। लंबे ऐसी लोगों की भीड़ है? हाँ, 6-7-10 किलोमीटर। आप कहाँ से आ रही है? मैं भी लातूर से। तो ये लंबी कतार ऐसी है इतनी दूर से? यस सर, बहुत दूर से ये कतार है ऐसी, और जितने भी लोग है आते ही जा रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। अच्छा बताइए, आप युवा हैं, क्या करते हैं? सर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं पुणे में। आपको लगता है कि इस तरह की रैली हो, इस तरह का आयोजन हो और इसकी कवरेज ना हो, इसकी क्या वजह लगती है? सर उसके पीछे मनुवादी विचार सरनी है। देखिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो समझने लगे हैं कि मीडिया का जो चरित्र है, मीडिया का जो खेल है। कहाँ, दिल्ली में किसी की तैयारी करते हैं? नहीं सर, पुणे में करते हैं। अच्छा पुणे में। आप क्या भाई करते हैं? अच्छा आप भी? सर मैं आईएलएस लॉ कॉलेज में लॉ पढ़ता हूँ। चलिए, तो देखिए एक जो डर था कि बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी है वो अंबेडकरवाद को नहीं समझती है, बहुजन आंदोलन को नहीं समझती है, वो डर खत्म हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि काफी संख्या में युवा जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो काफी संख्या में जो युवा है वो बात कर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर जो है ये देखिए लगातार चक्कर काट रहा है, मैं पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ, माइलेज लेने की कोशिश है। ये लोग जो है वो लंबे लंबे दूर से 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, मैं वही जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बताइए, जानते हैं आपके बहुत सारे। थैंक यू। चलिए वोट अपनी प्रशंसा ठीक नहीं है, देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मुझे लगातार लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे थे नेशनल दस्तक के व्यूअरशिप 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्यूज कर चुके हैं, सब्सक्राइबर 7 लाख से ऊपर है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप अपना बहुजन मीडिया मजबूत करना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक का जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल बटन पर जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, तभी बहुजन मीडिया मजबूत होगा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम बीड से। कितना दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? 5 किलोमीटर। तो देखिए और अभी देखिए मैं यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास और दूर है और 8 किलोमीटर के करीब 10 किलोमीटर लोग पीछे गाड़ी रोकी जा रही है, लोग पैदल आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन उत्साह कम नहीं हो रहा है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग लगातार आ रहे हैं, भीड़ जो है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। और ये समझिए कि ये बहुजन समाज जो है किस कदर जागरूक है, किस कदर चेतना से लबरेज है और वो लगातार आ रहा है, आ रहे हैं और भीमापुरे गांव जो शौर्य गाथा है उनकी उसको समझ रहे हैं और उसको याद करने के लिए आ रहे हैं। देखा आपने लोगों का जन सैलाब है और लाखों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक है, गाड़ी नहीं आ सकती है, फिर उतना ही किलोमीटर उनको वापस जाना भी पड़ेगा, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। और तांता जो लोगों की कतार है वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि जो मीडिया है उसके लिए हम खबर नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज है उसके लिए बहुत जरूरी खबर है और जो सोशल मीडिया है उस पर ये सारी खबरें अपडेट हो रही है, हर हाथ में मोबाइल है और वो अपनी खबरों को अपडेट कर रहे हैं। तो भीमा कोरेगांव के जो जो पर जो भीड़ आती है उससे आप अंदाज़ा लगाइए
कि बहुजन समाज कितना जागरूक हो रहा है सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मीडिया भले साजिश करे, वो भले न दिखाए, भले वो उनको कवरेज न दे, लेकिन जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो रहा है, और जो बहुजन मीडिया है सोशल मीडिया उसके जरिए वो एक दूसरे से खबरें शेयर करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इक्कीसवीं सदी जो होगी वो अम्बेडकर की सदी होगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भीमा कोरेगांव, पुणे।